Hello friends, this is Bijaraj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP. This is the fourth class of spoken classes. As we know that the previous class is so important for you, as far you know that you have already know that how to introduce yourself or how to talk to a friend या हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। भाई हम लोग एक शुरुआत करते हैं बेहतरीन ढंग से। अभी तक आपने जो सीखा कि कैसे हम लोग क्लास में एंट्री मारते हैं, मैंने कहा था कि आप एंट्री मारे तो कैसे मारे, मे आई कम इन सर, उसके बाद अगर यस प्लीज मिलता है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर का रिप्लाई अगर आती है, उसके बाद अगर आपको कहा जाता है हैव योर सीट या टेक योर सीट तो आप बोलते हैं थैंक यू सर, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो व्यक्ति कैसे आपस में बातचीत करते हैं, हाउ टू मीट अ स्ट्रेंजर, ओके। तो आइए हम लोग उसका एक नज़ारा पेश करते हैं और फिर उसके बाद हम आज कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, अजनबी से कैसे बातें की जाती है। नाउ समवन इज स्ट्रेंजर फॉर मी, अनफैमिलियर विद मी, याद करिएगा इस वर्ड को। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी या अनजान, और अनफैमिलियर का मतलब होता है अजनबी, अपरिचित जिसको बोलते हो, याद रखेंगे। स्ट्रेंजर की मतलब क्या होगा, अनजान, अजनबी, और अगर अनफैमिलियर कहा जाए, क्या कहा जाए, अनफैमिलियर, तो अनफैमिलियर का अर्थ क्या होता है, अपरिचित होता है, क्या होता है, अपरिचित। तो अगर आपके साथ ये सारे वर्ड आते हैं तो क्या करेंगे, उसके बाद अगर कोई आपके जान पहचान का है तो बोलते हैं नॉन, नहीं, नॉन का मतलब होता है जान पहचान वाला, जाना हुआ आदमी, नहीं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आई नो यू, मुझे यानी मैं जानता हूं, आई नो यू, डिड यू नो, क्या तुम मुझे जानते थे, नो आई डिडंट, मैं आपको जानता नहीं था। तो कैसे बात करते थे, एक बार फिर से देखिए, अजनबी कोई व्यक्ति होते तो आप सिंपल कहते हैं हाउ डू यू डू, क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू, इसका रिप्लाई आता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ, लेकिन हाउ आर यू तो आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू इन बिफोर यू, आपके सामने वो बिल्कुल क्या होता है, न्यू होता है, अनफैमिलियर होता है, अजनबी होता है, तो डायरेक्ट रूप में हम उससे बातें नहीं कर सकते। आपने कहा हाउ डू यू, हाउ डू यू, नहीं, उसके बाद यहां पे एक स्टार्ट कीजिएगा आप, हाय दिस इज, नहीं, या बोल सकते हैं हाय दिस इज, जो आपको बोलना है, मैं बोलू तो मैं बोलूंगा वी आर पी, नहीं, आप बोल सकते हैं हेलो या हाय, कुछ जो बोलना है बोलिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे दिस इज, नहीं, कुछ बोल दो आर डी बनर्जी, नहीं, तो यहाँ से ये होगा, आप अपना परिचय दे दिए, उन्होंने आपका परिचय दे दिया, नहीं। जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं तो इंडिकेट करना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं, और इंडिकेट नहीं करना हो तो सिंपल बोलते हैं आई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई एम अपना नाम, हेलो आई एम अपना नाम, यहाँ तक शुरुआत हो गई है। आपने हाउ डू डू किया, हाय किया, उसके बाद हेलो किया, अपना नाम बताया, नाम से परिचित हो गए। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो यहां पे जवाब आती है, कुछ तो जवाब आएगा, नहीं, तो आप यहां से लिखिए, कह सकते हैं कि मैं अपना अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, या आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ क्या है राय चाहिए, कौन चीज के बारे में, तो जीवन के बारे में, या पूछ सकते हैं कि व्हाट योर जॉब, आपका व्हाट्स योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है, या आप क्या करते हैं, व्हाट आर यू, आप क्या है, तो वह बताएगा एक्चुअली आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर, तो अब यहां से बातें शुरू हो जाती है, बोलेगा आई एम अ टीचर, तो वेयर आर यू टीचिंग, आप कहां पे, इसका कहां पे आप क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग,
तो वेयर आर यू टीचिंग, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो जनरली मैं कहूँगा कि आई एम टीचिंग, नहीं आई एम टीचिंग VCSA, VCSA, यही ना होगा? तो यहाँ पे अगर आपको जवाब दी गई है तो आप यहाँ पे बोलेंगे, देख लीजिएगा कट नहीं रहा ना, तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। तो आई एम टीचिंग VCSA, और उसके बाद आप यहाँ पे एक सिंपल सा जवाब देंगे, थैंक यू, नहीं थैंक यू, सामने वाला बोलेगा इट्स ओके, इट्स ओके। उसके बाद आपका जवाब आएगा नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ये कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा इस सारा चीज को, नाइस टू मीट यू। उसके बाद आएगा सेम हेयर, क्या जवाब आएंगे? सेम हेयर। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलेगा? ओके। और ये क्या बोल देंगे? बाय बाय। और उसके बाद आपकी क्लास यहीं पे समाप्त नहीं होगी, बल्कि एक अजनबी से कैसे मिलेंगे, खत्म हुआ। ओके, ऑलराइट, प्लीज डोंट टॉक, आपस में बातें नहीं करनी है, स्पोकन क्लास है, इट्स ओके। तो हाउ टू टॉक टू ए स्ट्रेंजर, अजनबी से कैसे बात करें, अलग अलग तरीका है। हमें तो केवल मेक एन एक्सक्यूज चाहिए, बहाना चाहिए, कौन चीज करने का, बात करने का, नहीं तो सिंपल है, अजनबी रहेगा, हाउ डू यू, हाउ डू यू, अपना हाय आई एम, अपना नाम बताएंगे, वो उधर से बता देगा हेलो आई एम, नहीं हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट आर यू, आप क्या है, आई एम अ टीचर, वेयर आर यू टीचिंग, आई एम टीचिंग VCSA, थैंक यू, इट्स ओके, नाइस टू मीट यू, सेम हियर, ओके, बाय बाय, वेल डन, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे पर्सन के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हो, हु आर यू, आई एम अ टीचर। शमशेर जी, नहीं बात करेंगे हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू इंफॉर्मेशन हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, कैसे अजनबी से बातचीत की जाती है। सिंपल सा है, इफ यू मीट फर्स्ट टाइम अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात हो, ठीक है, यदि पहली बार मुलाकात हो, जस्ट लाइक दो नए स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ क्लास में पहली बार यहाँ पे एंट्री मारा, हमें ना जान पहचान उनसे, आई एम अनफैमिलियर विद देम, तो कहता है कि कैसे बात करें, अब बात करने का लहजा तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग सिखाता कि हम गुड मॉर्निंग की जगह पे नए व्यक्ति के साथ जिसको आज तक नहीं जानते थे, हम बात करेंगे हाउ डू यू डू, और जवाब आएगा हाउ डू यू डू, उसके बाद हाय आई एम, अपना नाम, हेलो आई एम, अपना नाम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अजनबी आदमी, नहीं हु आर यू, यहाँ पे कह रहा है हु आर यू, ये कहा कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, तो इसने पूछ दिया हु आर यू, आप है कौन वास्तव में, तब ना बताएंगे, आई एम टीचर, मैं क्या हूँ, शिक्षक हूँ, वेयर आर यू टीचिंग, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग VCSA, नहीं थैंक यू, इट्स ओके, नाइस टू मीट यू, सेम हियर, नहीं ओके, बाय बाय, ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। चलिए शमशेर जी और एहसान जी करते हैं स्टार्ट। ओके, हाउ डू यू डू, हाय, आई एम, आई एम, अपना नाम बताइए, आई एम एमडी एहसान, हेलो आई एम एमडी शमशेर एहसान, How can I help you? Who are you? I am teaching. I am a teacher. Where I'm a teacher. I am teaching. VCSA. 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 Thank you. It's okay. It's okay. It's okay. तो आप लोग इसको बात करेंगे, क्या कोई दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी नहीं है, इसको हम हटाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग भी, कुछ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होगा, आप खुद बोलिएगा, मेला में जाके वहाँ पे मेले जैसा खुद बन जाते हो, क्या बनाया जाता है क्या, नहीं, अच्छा देखो, नहीं शादी के जाते हो तो वहाँ पे शादी में जाते हो तो क्या होता है, क्या वहां पे कहना पड़ता है कि हाँ अब नाचना है, कि अब स्टेज पर फोटो खींचना है,
वहां पे कैसे हो जाती है, अपने आप होने लगा। अच्छा सोचो, हम कभी डांस नहीं किए लेकिन देखे कि सब डांस कर रहा था और डीजे भी करोड़ों वाला था। नहीं देखो, डीजे का भी क्वालिटी होता है, जितना बेहतरीन डीजे होगा ना आपका दिल अपने नाचेगा। गाता है कि बजा आपका डीजे ऐसा होना चाहिए कि उसकी आवाज से आपको खुद नचा दे। तो इन्वॉल्वमेंट भी ऐसा होना चाहिए, सुनिएगा, आवाज में दम होनी चाहिए, आवाज सुनिए क्योंकि आवाज का ही पैसा लेते हैं, स्पोकन क्लासेज है इट्स ओके। तो कहता है कि अंग्रेजी आपको आती है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपके सामने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करूंगा कि आप न चाहकर भी आप बोलने लगेंगे, लेकिन ये होगा मेरा मैजिक, नहीं जादू मेरा होगा। तो आइए हम लोग डीजे की तरह अच्छे डीजे, इसलिए शादी में जब भी करना अच्छा डीजे करना, वो घरिया ना ले आना कि अच्छो लोग वहां से भाग जाए, नाचने वाला भी ना नाचे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने बात किया कि हाउ टू टॉक टू ए स्ट्रेंजर, कैसे बातचीत करें, सिंपल आपने फंडा। अच्छा क्या जरूरी है कि हम ऐसे ही बात करेंगे? नहीं, अजनबी से क्या ऐसे ही बात करेंगे, ऐसा है जरूरी? बिल्कुल नहीं है। बात करने का बहुत तरीका, देयर आर सो मेनी वेज टू टॉक। ठीक है, कैसे करेंगे? हो सकता है कि कभी कभी आप अजनबी के यहां जाते हैं, सीधा आप अपने हाथ को बढ़ाते बोलते हाय आई एम, नहीं जैसे मैं बोलू तो बोले हाय आई एम विजय राजपुष्प, तो सामने वाला बोलता है हेलो आई एम नहीं शमशेर या जो बोलना होगा बोल देगा। उसके बाद पूछता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू या व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद करूं, हाउ कैन आई हेल्प, यही क्वेश्चन पहले होता है। तो आप सिंपल से कहते हैं कि एक्चुअली आई एम इंगेज इन मैरिड सेरेमनी, मैं अभी शादी समारोह में क्या हूं, थोड़ा सा इंगेज हूं, सो प्लीज गिव मी सम द नेम ऑफ द शॉप वेयर आई बॉट या आई सेल बॉट सम फ्लावर्स, जहां पे मैं कुछ फ्लावर खरीदूंगा। नहीं, मुझे बताया जाए तो बताएगा कि ओके आर यू न्यू इन दिस प्लेस, क्या आप इस जगह पे नए हो, कहेगा यस आई एम न्यू इन दिस प्लेस, आई कहता है कि आई हैव नेवर वॉक्ड इन दिस प्लेस, मैं कभी भी इस जगह में घूमा नहीं हूं, सो प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ या वेयर टू बाई सम फ्लावर्स टू अरेंज द जयमाला स्टेज, ना ऐसे ना कुछ बोलो ना, बोलना तो है ठीक है, केवल निकलना चाहिए। तो कहेगा ओके डोंट वरी प्लीज, कहता कि मुझे एक कहता है कि मेरे ध्यान में है एक ना, आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, मेरे पास कुछ उसके पास जानकारी है, देखा था, कहता है कि गाजीपुर चौक है, तो पूछेगा वेयर इज गाजीपुर चौक, कहाँ है गाजीपुर चौक, तो सीधा बताएगा कि प्लीज गो स्ट्रेट, सीधा चले जाइएगा, वहां पे गोलंबर मिलेगा, नहीं यू सी गोलंबर, आप गोलंबर देखते हैं, उसके लेफ्ट हो जाइएगा, लेफ्ट से गो स्ट्रेट सीधा जाइएगा और टर्न राइट, आप दाहिनी की ओर मुड़िएगा और सामने देखिएगा एक बोर्ड दिखेगा, यू शो नहीं या यू सी अ बोर्ड, द नेम ऑफ दैट शॉप इज नहीं क्या कह सकते हैं फ्लावर्स नहीं परचेजिंग या फ्लावर सेलिंग या फ्लावर सेल्स नहीं लिखा रहता है इस तरीके से, आप देखेंगे वहां पर रुक जाएगा, नहीं तो अगर दिक्कत है तो वहां जाकर मेरे को क्या करना, प्लीज कॉल मी मेरे इस नंबर पे प्लीज, नहीं ये है, कहेगा हेयर इज इट माई नंबर, प्लीज नोटेड इट, नोट कर लीजिए और जाके वहां पे कॉल कीजिएगा। दुकान पे पहुंचेगा तो कहेगा, वहां पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, वही दुकान पे गया, अब सोचो दुकान पर तुम पहुंचे, दुकान पे डायरेक्ट तो तुम सामान नहीं खरीदोगे, अब वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे अपने बारे में कुछ जानकारी दोगे, दुकान पर पहुंचे हुए तुम आप कहिएगा कि ओके कहिएगा कि फ्लावर इज या सम फ्लावर हेयर, क्या यहाँ पे कुछ फ्लावर है, इज देयर सम फ्लावर्स, तो कहेगा यस व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डू यू वांट, आप किस प्रकार के फ्लावर चाहते हैं, तो कहता है कि एक्चुअली देयर इज ए मैरिज इन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक शादी है और मैं चाहता हूँ कि आई डेकोरेट द जयमाला स्टेज, नहीं मैं जयमाला का स्टेज को डेकोरेट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डेकोरेट जयमाला स्टेज, सो प्लीज गिव मी सच काइंड ऑफ द फ्लावर्स दैट इज यूज ऑन द जयमाला स्टेज, तो कहेगा ओके ओके देगा वो दिखाएगा, कहेगा प्लीज शो मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स, तो कहेगा कि दिस फ्लावर इज मिनिमम नहीं या विद इन 100 रुपीज, दिस फ्लावर इज विद इन 500 रुपीज,
तो इस तरीके से वो दिखाएगा, आप पसंद करेंगे, उसके बाद कहेंगे उसको आपको दे देगा, कहेगा प्लीज पैक इट, आप उसको क्या कर दीजिए, पैक कर। देखो सब वर्ड हम लोग बोलते हैं अपने जीवन में, केवल यूज करना है, प्लीज पैक इट, इसको पैक कर दीजिए। कहेगा ओ हेयर इज इट, यह है आपका, तो आप भी दीजिएगा हेयर इज इट योर मनी प्लीज, नहीं पैसा दे दीजिएगा, रसीद कहेगा प्लीज गिव मी कौन चीज रिसिप्ट, नहीं आप हमको थोड़ा सा रिसिप्ट दीजिए या रसीद दे दीजिए हमको, रसीद दे देगा, स्लिप कहते हैं नहीं, या रिसिप्ट भी बोलते हैं लोग उसको, तो कहता है कि हमको दे दिया जाए, आप जैसे ही देगा बोलेगा थैंक यू वेरी मच, नहीं बोलेगा इट्स ओके। उसके बाद आप क्या, दुकानदार क्या कहेगा, आते रहिएगा, नहीं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ नीड, अब अगर आपके किसी भी प्रकार की जरूरत होगी प्लीज यू आर वेलकम एवरी टाइम, आपको हमेशा क्या है स्वागत है, स्वाते रहिएगा, ओके बाय बाय कर देगा अपना दुकानदार भी, थैंक यू चला जाएगा अपना, गाड़ी स्टार्ट करेगा चल देगा। काइंड मतलब क्या होता है, काइंड व्हाट काइंड हम बोले वो दूसरा चीज है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वो होता है प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ नहीं या टाइप्स ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ ये प्रकार है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ये सब प्रकार है, काइंड वो दूसरा चीज है, ठीक है वो दूसरा चीज है, ओके डोंट। अब आइए हम लोग माइंड और बिजनेस, अपने काम से काम रखो, हम लोग यूज करते हैं बराबर में। तो ये था आप अजनबी से बात करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश अलॉट ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक इन हिंदी एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश, बट इट्स नॉट अ गुड मैनर, लेकिन कहा जाता है कि अच्छी तरीका नहीं है, लेकिन इन स्टार्टिंग शुरुआत में आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, पहले सोच तो पाएंगे हम लोग हिंदी में, क्योंकि चूंकि हम लोग हिंदी मूवमेंट से आते हैं, और धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी में सोचना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट जब मैं आपसे बातें करता हूं, वेन आई टॉक टू यू नेवर थिंक दैट वॉट इज हिंदी और वॉट इज इंग्लिश, ओनली माई थिंकिंग इज इन द वे इन इंग्लिश, किस तरीके से चलता है अंग्रेजी में चलती है, मैं उसको ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड क्या हो चुका है उस पर एडजस्ट हो चुका है। नहीं मैं जैसे आपसे बातें करता हूँ कि हाउ टू टॉक टू ए स्ट्रेंजर, हाउ टू टॉक टू अ फ्रेंड, हाउ टू टॉक टू फ्रेंड, बिटवीन टू फ्रेंड्स दो दोस्तों के बीच कैसे बातचीत की जाती है, तो ये मेरे माइंड में आते रहता है कि क्या करना है। नहीं मान लीजिए कोई नई टॉपिक आ जाती है मेरे सामने, जैसे कंप्यूटर के बारे में आपको स्पीच देना होता है, तो कंप्यूटर के बारे में स्पीच करना, तो आप लोग क्या सोचेंगे सबसे पहले हिंदी में सोचेंगे, अच्छा कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है संयंत्र है, मशीन है। मैं क्या सोचता हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बीच ऑपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नहीं वर्क्स, विभिन्न प्रकार के कामों को वो क्या करता है, वो करता है नहीं, इट हैज टू पार्ट्स हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर व्हाट इज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर मींस दैट वी कैन टच इट, हार्डवेयर मींस दैट वी कैन टच इट, हम लोग उसको छू सकते हैं, एंड वी कैन सी हम उसे देख सकते हैं, लाइक दैट जैसे मॉनिटर कीबोर्ड नहीं माउस स्क्रीन नहीं सीपीयू यूपीएस नहीं यही सब ना आपका है, एंड अनदर पार्ट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मींस दैट वी कैन नॉट टच वी कैन नॉट सी, इट इज ओनली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करेक्ट है। तो मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बोलना शुरू कर दे क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं हिंदी में ना करके उसको डायरेक्ट क्या कर रहा हूं इंग्लिश में। आप कोई भी मेरे दुनिया का टॉपिक दे दो, मेरे को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी का ना तो हिंदी बोल सकते हो ना इंग्लिश बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। मान लीजिए कि हमको राजगीर के बारे में पता ही नहीं हिंदी में, तो क्या इंग्लिश में बोल पाओगे, क्या हिंदी में बोल लोगे, अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदी में बोलोगे नहीं बोलो, तो पहले इंफॉर्मेशन। तो अब सवाल आता है कि हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको भाई अंग्रेजी में क्या सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा, हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन में आपको सबसे पहले याद रखना है डिसिप्लिन इज द मेन रोल, प्लेज मेन रोल मुख्य भूमिका निभाएगा। अब मुख्य भूमिका का इंग्लिश होता है मेन रोल, निभाना का होता है प्ले, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस योर ओन इमोशन, अपने इमोशन को व्यक्त करने का एक तरीका है क्या कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन, आप अपने इमोशन को अपने अंदर की भावना को कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से, इट इज द एनवायरनमेंट
नहीं, आई वॉन्ट यू, मैं आपके सामने चाहता हूं कि गिव यू सच एनवायरमेंट द पर्सन वन इंटरेस्टेड इन इंग्लिश दे आर रेडी, वे तैयार हैं टू स्पीक इंग्लिश, किस चीज करने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। दो ही तरह के लोग दुनिया मिलेंगे, एक फैमिलियर अनफैमिलियर, एक जान पहचान वाला और दूसरा अनजान। जान पहचान को फैमिलियर बोलेगा, अनजान को क्या बोलेगा, अनफैमिलियर बोले। कोई समस्या है, अंदर से निकलेगा कुछ ही देर में, इंग्लिश निकलेगा, डोंट वरी। नहीं तो सिंपल सी बात है, अब हमारे बात करेंगे, देखेंगे हाउ टू कम्युनिकेट दिस लैंग्वेज, कैसे हम इस लैंग्वेज का कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर इन दिस रूम, वी आर इन दिस क्लासरूम, हम लोग कहां पे है अभी, इस क्लासरूम के अंदर है। इन दी क्लासरूम, अंदर है तो इन, बाहर है तो आउट। अगर हमको परमिशन लेना है तो हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमको खड़ा होना है तो क्या बोलेगा, मे आई स्टैंड अप, हम बोलेंगे यस प्लीज, तो आप स्टैंड अप हो जाएंगे। आपको कहना हो कि मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं, यस प्लीज। नहीं, लेकिन हर जवाब के बाद एक थैंक यू आनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं, मैंने कहा यस प्लीज, आप बोलेंगे थैंक यू, इट्स ओके, मेरा जवाब आएगा इट्स ओके। मे आई कम इन सर, यस कम, बोलेंगे गुड मॉर्निंग, मैं बोलूं गुड मॉर्निंग, हैव योर सीट, अपना स्थान को ग्रहण कीजिए। नहीं, आपके मुंह से आने चाहिए थैंक यू, मैं बोलूंगा इट्स ओके, डोंट वरी, मेंशन नॉट, प्रीटी वेल, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या बात रहे तब ना बात आपको प्रवेश करना है। अगर हमको कहना है कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट, बाबू लैंग्वेज यूज करो, आज से सुनना चाहेंगे, ठीक है। अगर बाहर जाना है तो क्या बोलेगा, मे आई गो आउट, अंदर आना है तो क्या बोलेगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये करिएगा, आपको मोबाइल उठाना है, रिसीव करना है, क्या बोलिएगा, मे आई रिसीव माई कॉल, मे आई रिसीव माई कॉल, क्या मैं कॉल को रिसीव कर सकता हूं, मे आई रिसीव माई कॉल, करेक्ट है। अगर आती उधर से एस प्लीज, तो आप बोलेंगे थैंक यू सर, करेक्ट है। उसके बाद बातें करेंगे, यही ना होती है। अब आइए हम क्लासरूम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, इस क्लासरूम के, ओके। स्पीच कैसे दी जाती है, सबसे पहले अगर आपको यहां पे हम आकर बोले क्लासरूम पर बोलो तो कैसे बोलोगे, सिंपल बोलेगा हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय राजपूत, नहीं आई एम वेरी हैप्पी, नहीं बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू गिव मी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे एक अवसर दिया है, कौन चीज का, टू स्पीक समथिंग अबाउट माई क्लासरूम, किसके बारे में, एक बार फिर से देखिएगा, स्टार्टिंग होगा हेलो फ्रेंड्स, अब कहेगी देखो, चले हेलो फ्रेंड्स आई एम विजय राजपूत, नहीं आई एम वेरी हैप्पी टूडे बिकॉज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट या टेलिंग समथिंग अबाउट माई क्लास रूम। सिंपल सा ये फंडा याद रखेंगे, हम लिख भी देते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग हुआ है स्पीच का, वह होता है यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, नहीं और यहाँ से चूंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं तो बताएंगे दिस इज, अपना नाम बताइएगा, नहीं और फ्रॉम बता दीजिएगा, कहाँ से है आप, कहाँ से है आप, नहीं हेलो फ्रेंड्स दिस इज फ्रॉम, कहाँ से है, नहीं और यहाँ पे आप सिंपल बोलिएगा आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज क्या हूँ, बहुत ही खुश, क्यों खुश है, कि मुझे बोलने का कुछ मौका मिला है, नहीं मुझे बोलने का, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर या मौका, इसका हिंदी होता है अवसर या मौका, करेक्ट है। यानी आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग, समथिंग अबाउट माने के बारे में, अबाउट माय क्लास रूम, अबाउट माय क्लास टीचर, अबाउट माय मदर, अबाउट माय फादर, अबाउट माय स्कूल, चलते रहेगा दिन भर, अबाउट माय काउ, नहीं यही ना होगा। तो देखिए ये है मेन आपका स्टार्टिंग, याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं सूचित कर दूं, अगर आप सोच कराए कि आपकी कॉपी भर के जाएगी तो फॉरगेट इट, भूल जाओ, और आपके लिए बेहतर होगा, नहीं आपके लिए बेहतर होगा, इट इज सुपीरियर टू यू कि यू लीव दिस क्लास, आप इस क्लास को छोड़ दे, क्योंकि आपको कुछ भी लिखने के लिए ज्यादा मिलने
नहीं है, आपको मिलेगा तो केवल और केवल ओनली यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। केवल यहाँ पे बात होगी ज्यादा अंग्रेजी में और ज्यादा हिंदी। माइंड में धक्का लग रहा है? धक्का नहीं लग रहा है कुछ होगा ना लग रहा है। चलिए तो ये चेंजिंग योर वे चेंज योर लाइफ ध्यान दीजिएगा। कहता कि अब शुरू कैसे करिएगा, बोलने का तरीका भी सुन लिया जाए। इसको हम लोग पढ़ेंगे अब। हेलो क्या पढ़िएगा? हेलो यही साउंड आएंगे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत फ्रॉम बीसीएसए। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय क्लासरूम। बेहतरीन तरीका, और बोलने के समय आवाज में अंग्रेजों की तरह स्मार्टनेस होनी चाहिए। वो जिंदगी गई, रोने धोने का जिंदगी समाप्त है, क्योंकि आप आए हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने। वो अभी कुछ भी करो नहीं, वो नहीं लैंग्वेज, इट डजंट मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप लैंग्वेज का मतलब होता है द लैंग्वेज व्हेन यू यूज, जब आप प्रयोग करते हैं वेरी सिंपल वे, यू कैन यूज वेरी सिंपल वे, सिंपल माने बिल्कुल आसान, ताकि सामने वाला समझ ले, अंडरस्टैंड बिफोर यू, आपके सामने जो खड़ा है। भाषा का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज बोलिए कि सामने वाले को क्या जाए। अच्छा, भाषा का क्या काम है? भाषा का काम है सामने वाले को समझाना। और जब आप एकदम मारिएगा एकदम डिक्शनरी वाला वर्ड, तो क्या समझ में आएगा? तो क्या कौन सी काम का? आप किसी को भोज पार्टी पे, फिस्ट पार्टी पे आपने दावत दिया, इनवाइट किया, मेरी आवाज को सुनिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आपके दिमाग के लिए। जब आप इनवाइट करते हैं, मान लीजिए यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यू आर, सुनो दिमाग को बिल्कुल, माइंड और बिजनेस ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजी को धीरे धीरे, अब क्या हिंदी को क्या करो हटाओ, और उसके जगह पे अब क्या भरो? इंग्लिश भरो। निशा जी, आपकी नजरें, आपके दिमाग बिल्कुल मेरे आवाज पे अब होनी चाहिए। कुछ नहीं लिखा हुआ काम अब नहीं आने वाला है, ठीक है? जवानी के दिन गए अब नहीं, और बुढ़ापा के दिन भी नहीं आए हैं अभी। अभी हम लोग ऐसे जिंदगी को जीने के लिए बेताब है जहां पे केवल और केवल चमक दमक है, क्योंकि इंग्लिश है भाई, इंग्लिश का दुनिया चमक दमक होता है। उसके होठों पे कभी कह सकते हैं कि एक दुख का भाव नहीं होता है, एक मुस्कान हमेशा रहता है, हमेशा गम से बाहर आता है। अकेले में रोले कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर सकीजिएगा। आप बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई क्लासरूम। अच्छा, कैसे बोलेगा? आई एम क्लासरूम में आए हुए। तो आप क्लासरूम पर बोलने से पहले क्लासरूम को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि क्लासरूम इज सच अ प्लेस वेयर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय समवन, जहां पे शिक्षा किसी के द्वारा दी जाती है। आप बोलेंगे क्लासरूम इज द टेंपल ऑफ एजुकेशन। क्लासरूम जो होता है शिक्षा का एक मंदिर है। देखो शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग, जब भी जिस टॉपिक को बोलना हो उसको पहले आप डिफाइन करेंगे, नहीं कि व्हाट इज इट या है क्या आखिर में। तो सिंपल बोलिएगा, माय क्लासरूम पर बोलना है, बोलेंगे कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासरूम इन दिस वर्ल्ड, बट माय क्लासरूम इज वेरी यूनिक बिकॉज इट इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा का एक मंदिर है, वेयर एवरीथिंग इज, जहां पे सब कुछ जो है वेल मेंटेन्ड, सब क्या है वेल मेंटेन्ड है, मतलब बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से है। ओके, माय क्लासरूम इज नॉट बिग नॉर स्मॉल, ना तो बड़ा है ऐसे उसके लिए यूज करते हैं। माय क्लासरूम इज नाइदर नाइदर बिग नॉर स्मॉल, नाइदर के साथ नॉर का यूज कीजिएगा, नाइदर बिग नाइदर स्मॉल, ना छोटा है ना बड़ा। इट इज अ कॉमन क्लासरूम वेयर मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, या मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कम्स, या कम मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट है तो कम्स होगा, मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है तो कम होगा, आते हैं एंड दे
हैव गॉट एन एजुकेशन, जहां पे शिक्षा को प्राप्त करते हैं. ओके उसके बाद बताएंगे क्लासरूम के बारे में बोल रहे हैं तो बताएंगे इट हैज मेनी बेंचेस, इट हैज मेनी बेंचेस, डेक्स और बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, चौक, नहीं ETC कर देंगे, कंप्लीट है. उसके बाद बताएंगे इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन एंड सीमेंट और बालू, सैंड जिसको बोलते हो, यह बना हुआ है. इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईट, सैंड, बालू, कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट बोल देंगे. उसके बाद बताएंगे इट्स रूप, इसका जो रूप है, रूप होता है एक ऊपर वाला और फ्लोर होता है नीचे वाला. अब रूप में भी दो पार्ट्स आते हैं, जैसे मान लो ये छत है तो नीचे वाला सेलिंग होगा, नीचे वाला क्या होगा, और ऊपर वाला रूफ होगा, और जिस पर हम खड़े हैं वो मेरा फ्लोर है, वो मेरा क्या है, या इसको रूफ भी कह सकते हैं, जब ऊपर वाला छत पर चले जाएंगे तो रूफ नहीं. और हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग्स होता है, पूरी इमारत को बिल्डिंग्स बोलते हैं नहीं, और उसमें जो आपका अलग अलग कमरे होते हैं नहीं, अनेक रूम्स होते हैं. तो हम क्लासरूम पे बात कर रहे थे कि सिंपल बोलेंगे क्लासरूम इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन. ओके वेयर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे चीजें वहां पे मौजूद है, लाइक दैट डेस्क, टेबल्स, व्हाइट बोर्ड्स नहीं, मार्कर और डस्टर्स. ओके एंड और सो मेनी थिंग्स लाइक दैट पिक्चर. ओके मैप्स, तो ये सारा ऐसे से बोलेंगे. उसके बाद बोलेंगे कि माय क्लासरूम इज नीट एंड क्लीन, इट इज नीट एंड क्लीन, निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट इज नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी, इट इज नीट एंड क्लीन. एवरीबॉडी या एवरी स्टूडेंट्स या फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट्स स्वीप्स इन द मॉर्निंग, स्वीप्स माने झाड़ू देते हैं, ठीक है, झाड़ू लगाते हैं प्रतिदिन सुबह में. उसके बाद आफ्टर दैट एवरी स्टूडेंट्स प्रे टू गॉड, भगवान को प्रार्थना करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मुंह मीठा करते हैं नहीं तो अपने मन से चलेगा नहीं. उसके बाद बताएंगे कि माय क्लासरूम इज रेडी टू, कह सकते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन, तैयार, यानी मेरा जो क्लासरूम है बिल्कुल रूप से प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है कौन चीज के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एट 8 o'clock, कितना बजे, लगभग 8 बजे. फर्स्ट ऑफ ऑल द माय क्लास टीचर इंटर्ड इन दिस क्लासरूम, आते हैं एट 8 o'clock, 8 बजे वो प्रवेश कर जाते हैं एंड ही स्टार्टेड, वो शुरू कर देते हैं कौन चीज, ही इज स्टार्टेड टू टीच स्टूडेंट्स इन द वे ऑफ क्रिएटिव लैंग्वेज, एक रचनात्मक सोच के साथ. रचनात्मक का मतलब नए ढंग से सोचें. अब सवाल उठता है कि सर आप तो बोल रहे हैं हम क्या करें, तो आप भी वही करेंगे जो मैं करता हूं. सिंपल है, क्लासरूम में आएंगे और आप यहां पे बैठ के केवल इट इट करते रहेंगे नहीं, ठीक है, इट हैज, इट हैज, इट हैज, इसमें है, इसमें है, इट हैज डेक्स, ऐसे आके कल से बोलना, पहले याद कर लीजिएगा, ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा, कोई ना रहेगा कोई मतलब नहीं, कोई है मतलब नहीं, यही याद करना. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नहीं फ्रॉम, आई एम वेरी हैप्पी टुडे आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई क्लासरूम. बोलने का लहजा होना चाहिए, स्पीड और स्लो बोलना स्पीकिंग नहीं है. ना कि अंग्रेजी अगर कोई फराटेदार बोला एकदम लगातार तो कहेगा कि अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, नहीं वो अच्छा इंग्लिश नहीं है. इंग्लिश का मतलब है कि आप किस बात को बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं. अच्छा मान लो यहां पे कोई डेथ पर्सन का बॉडी रखा हुआ है और आप दौरल से आए इंग्लिश हा हा करते हुए बोल रहे हैं, दिस पर्सन इज डेड, मर गया, वाओ ना, बोलते हैं कि दिस इज सो हैंडसम पर्सन इन दिस वर्ल्ड एंड ही हैज डन सो मेनी वर्क, बहुत सारा इन्होंने काम किया, बट आई हैव मिस्ड, मैं इसको आज मिस कर रहा हूं, आई एम मिसिंग सम काइंड ऑफ पर्सन. तो सोचो क्या इंग्लिश है ये,
भाषा का मतलब है कि जैसा सिचुएशन है वैसा बोलना, और सामने वाले को अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप जब बोले जरूर नहीं कि एक केदा में आए शुरू हो जाए, हेलो फ्रेंड्स दिस इज राइफुस वन फ्रॉम बीएसए ना, आई एम वेरी हैप्पी टुडे आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय क्लासरूम। इट्स नॉट अ गुड मैनर आपको बोलने का। जब फुल स्टॉप है तो रुकिए, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना। जैसे यहां बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, यहां पे हम रुकेंगे, यहां पे कॉमा है रुकने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप ये लैंग्वेज लाए अब, हेलो ये ध्यान लाने के लिए भी लोग करते हैं। मोबाइल अब रिसीव कर तो बोलो हेलो, देखो सामने वाले के दिल पर भी असर होगा नहीं, और प्लस आपकी आवाज जो होगी। हेलो क्यों बोलते हैं हम लोग? एक्सक्यूज मी के जगह पे हेलो का भी प्रयोग करते हैं। एक तो हेलो आपका अभिवादन करने का तरीका है, दूसरा ध्यान आकर्षित करने का। जैसे मैं अब बार बार यूज करूंगा, जैसे आपस में आप बातचीत करेंगे नहीं, यू विल टॉक अमंग अस, हम लोगों के बीच अगर बात करेंगे तो मैं अक्सर कहूंगा हेलो सुनिए, मतलब इसका मतलब है कि सुनिए, ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी क्षमा करें या जरा सुनिए। अगर रोड पर जा रहे हैं आपको एड्रेस लेना, क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी सर, बोलेगा व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? नहीं, व्हाट कैन आई हेल्प यू? तो आप सिंपल बोलते हैं कि आई हैव फॉरगेट माय वे, मैं अपने रास्ता भूल गया हूं, मुझे जाना है कहीं और, जा रहा हूं कहीं और। गाना सुनियो ना, मुझे जाना होता है कहीं और, चला जाता हूं कहीं और। नहीं तो देखिएगा, अगर आपको जाना पड़ता है तो हमेशा हैव टू का प्रयोग करें। मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो, मुझे खाना पड़ता आई हैव टू ईट, मुझे बोलना पड़ता आई हैव टू, आज दिन भर ये प्रयास करना। बोले कि मुझे मन नहीं है, नहीं मेरा मन नहीं करता है, आई डोंट माइंड, कहता है कि मेरा मन नहीं करता है, आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ एक्टिविटी टू डू इन दिस क्लासरूम, मेरा मन नहीं करता है कि इस रूम में इस प्रकार का क्रियाकलाप करे, बट लेकिन आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है। मेरा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं है, ठीक है, मेरा अंग्रेजी सीखने का मन नहीं है, यानी कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती। मुझे सवेरे में उठने का मन नहीं करता, आई डोंट लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई डोंट लाइक टू, मन का मतलब लाइक, आई डोंट लाइक टू गेट अप इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू गेट अप, मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू, मुझे खाना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मुझे क्लासरूम के बारे में बतानी पड़ती है, आई हैव टू टेल अबाउट माई क्लासरूम बट आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। बात समझ रहे हो? आवाज तो निकालनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, हैव टू रहेगा, फ्यूचर में गया तो क्या गया, वहां पे विल हैव टू आ गया, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे जाना पड़ता था, आई हैव टू गो, था तो हैड टू और पड़ेगा तो हैव टू, सॉरी विल हैव टू या शैल हैव टू। जैसे आज तुम्हें मेरे सामने अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश बिफोर मी, आदमी के सामने के लिए बिफोर का यूज करें, बिफोर कोई चीज के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ, हम दीवाल के सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ वॉल, बोले कि मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। अगर कहना हो कि मैं राधा के सामने हूं, आई एम बिफोर राधा, मुझे बोलना होगा, आई शैल हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक। बोले कि मेरे साथ बुरा हुआ, अगर आपको कहना हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, आई हैव समथिंग रॉन्ग विद मी, आई हैव समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो तुमने बताया क्यों नहीं, पूछेगा ऐसे, तुमने क्यों नहीं बताया, वाई डिड यू नॉट टेल मी, क्यों नहीं बताया,
कौन सी आफत आ गई थी, ऐसी रहता है, कौन सी आफत आ गई थी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैड यू, आपके पास था, कौन सी समस्या थी। नहीं, आज जो मैं दुनिया के सामने शर्मसार हूं, आई एम शेमलेस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के सामने आज लज्जित हूं, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ओनली यू एंड ओके, तो बोलेंगे ओनली यू एंड यू, इसका जिम्मेदार केवल और केवल तुम, ओनली यू। मैंने बार बार आपको चेताया था, मैंने बार बार आपको चेताया था, आई हैड वार्न्ड यू मेनी टाइम्स, देखो कैसे वर्ड आती है, आई हैड वार्न्ड यू, मैंने चेतावनी दिया था मेनी टाइम्स, बहुत बार, लेकिन तुम सुधरे नहीं, नहीं तुम सुधरे नहीं, यू कह सकते हैं कि यू आर नॉट इंप्रूव योर वे, आपने अपने रास्ते को सुधारा नहीं, यू डोंट इंप्रूव, आपने नहीं सुधारा, आप नहीं सुधार करते हैं, तो अब भोगो, भुगतना किसको पड़ेगा, आपको आ जाइए। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग फर्स्ट टाइम ही करेंगे, ठीक है, अभी अगर बाहर से आप आएंगे तो सिंपल बोलेंगे मे आई कम इन सर, यस प्लीज, थैंक यू, नहीं, हैव योर सीट, ओके। तो ध्यान रखेंगे, अब सवाल उठता है कि आप घर पे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, सुनो आज का सिचुएशन आपके सामने है, सुना जाए प्लीज, आज क्या करना है कि घर पे जाके कुछ उल्टा पुल्टा सोचना है, मान लीजिए कि आप किसी का माँ है या पिता है, आप किसी के माँ है या पिता, यू आर मदर और फादर ऑफ एनीवन, किसी का, और आपके सामने आपके लड़का या लड़की खड़ी है और आप उसको समझा रहे हैं, उसके जीवन के बारे में समझाना है, ठीक है, तो कैसे समझाएंगे, आज का टॉपिक रहेगा, मान लीजिए तो कैसे आप समझाएंगे इसके बारे में सुनिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि मेरा जो लड़का है वह किसी रूम में पढ़ रहा है, नहीं, और बात को आराम से सुना जाए, क्योंकि सुनने का काम दो बार करना चाहिए, बोलने का काम एक बार, भगवान बुद्ध की तरह सोचो, लगातार सुनो, तब तक सुनो जब तक सामने वाले की बात खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल पेशेंस के साथ, और पेशेंस का मतलब क्या होता है, सुनो, पेशेंस का मतलब होता है, आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई व्यक्ति कोमा में गया हुआ है, सोचो क्या उसका होश आने की संभावना कब है पता है, 6 महीना बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा कि 20 साल बाद आएगा, कोई पता नहीं। उस समय सोचो तुम क्या करते हो, क्या करते हो, हल्ला करते हो कि डॉक्टर जल्दी ठीक करना तो मार दो, क्या बोलते हैं, आप क्या करते हो उस समय, केवल की पेशेंस, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और उस धैर्य का कोई अंत नहीं है, है क्या, उसको पेशेंस कहते हैं। तो आपको भी सीखने के लिए, हाँ अच्छा वर्ड आपने यूज किया, हमारा लैंग्वेज दो तरीके से बढ़ता है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, दो तरीके से बढ़ती है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है जो अपने से बड़ों के साथ यूज किया जाता है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज भाषा दो तरीके से बढ़ती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है जो अपने से बड़ों के साथ, ऑफिशियल लोगों के साथ, टीचर के साथ, इज्जतदार लोगों के साथ पेश आते हैं एक अच्छे मैनर में, और इनफॉर्मल वैसा लैंग्वेज होता है व्हेनेवर यू नेवर टू चेंज योर वे टू लिव, अपना जीने का तरीका नहीं बदलते, जैसा है वैसा ही, एज यू सो यू डू, जैसा हो वैसा ही करते हो, घर पे मान लो कि तुम अगर गमछा लपेटे हुए हो तो माँ के सामने भी उसी ड्रेस में जाते हो,
लेकिन क्या टीचर के सामने उसी गमछा लपेटे चले आओगे? क्या ऑफिस में उसी लपेटे चल जाओगे? नहीं, उसका मैनर है। तो जहां पे आपको सजना पड़े, सजना है हमें सजनी के लिए ना, तो कह रहे हैं कि अगर जहां पे सजना पड़े, सजने का मतलब होता है आपको बेल मेंटेन्ड होना पड़े, आपको ड्रेसअप अच्छा से होना चाहिए, बाल अच्छा से होना चाहिए, नहीं आपका क्रीम त्रीम लगाते बढ़िया से लगा के, जैसे ना कि पोतले है ना, उसे नहीं यूज करना है। कॉस्मेटिक्स यूज करना अच्छी बात है, सब करते हैं, ठीक है, वो करना है, मेकअप में रखना है, बेल मेंटेन्ड, ठीक है। हंसना नहीं है कि बड़ा मेकअप है, मेकअप अच्छी चीज है, हर किसी को मेकअप होना चाहिए, सामने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ताकि आपको देखकर उसको भी खुशी मिले। खुशी बैड सेंस में नहीं, अंग्रेजी सीखने आए हो, ये अंग्रेज है, ठीक है, ये हिंदुस्तानी नहीं है। यहाँ पे ना तो लड़के और लड़की में अंतर होती है, ये बिल्कुल क्या होता है, सपाट जिंदगी होती है। जैसा लड़का रहता है वैसा ही लड़की रहती है। आपको क्या लगता है कि उसमें चेंजिंग आते है? कुछ चेंजिंग नहीं होगा। आप भी किसी लड़के से बात कर सकते हैं, लड़की भी करते, लेकिन गुड मैनर में करता है। यहाँ लिखा हुलेर वाला लिखा नहीं करता है कि लगा सिटी बजाने, कमेंट करने लगा, ये नहीं होती है। देखना तुम, अंग्रेज जब आएंगे दो लड़का लड़की, आप देखिएगा उसको कितना शालीनता से बात करेंगे, बेहतरीन से। आप कहिएगा कि मे आई कैप्चर फोटो वीडियो, कहेगा यस प्लीज कैप्चर करो आराम से, और मुंह तक करेगा, देखना स्टाइल से करती है। देखो तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा में न लड़का होता न कोई लड़की होती है, ओनली यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम के तहत चलते हैं, लेकिन मैनर उसका अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड शोज योर कल्चर, आपका नजरिया दिखा देता है कि आप कैसे संस्कार लेकर आए हैं, समझ रहे हो? चेंज तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है, आपको मैं चेंज करके दिखा दूंगा, चाहे आप कितना भी चाह ले, लेकिन मैं बदल दूंगा। और अंग्रेजी बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बोलेंगे, आपके सिवा इस इलाके में अंग्रेजी कोई नहीं बोलेगा। एकदम अंदर लगाओ, एक रिकॉर्डर लगाओ और वो आपको आवाज दे, हमेशा धक्का दे इंजन की तरह कि अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बोलेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तो हम सीखेंगे, और मेरे जैसा अंग्रेजी दुनिया में कोई नहीं। बाबू ये सब आवाज लगाओ, अंदर मारेगा धक्का, अगर तुमको मन भी ना करेगा ना, अंदर से बोलो अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बोलेंगे, समझ रहे हो? एकदम ही अंदर से। देखते हो क्रिकेट जब खेलने जाते हो तुम कैसे उतरते हो, जीतेंगे तो सिर्फ हम जीतेंगे, मेरे सामने कोई नहीं। आ सोचो तुम, अरे हम हार जाएंगे, वहां बल्ला पकड़ ले, हम हार जाए, बॉल ने आयल है, हार जाएंगे, हार तो पहले ही हार लाते, अब आयल है बॉल छक्का मारे वाला, अब तू ऐसे गला टुन तो ले, टुन होने का स्लिप में ले लो। देखना मैच अभी चलती है, 5 दिवसीय मैच, जो टीम सोचती है कि मैं दिन भर मैच बचा लूंगा वो मैच हार जाती है, और जो टीम आती है और अपना स्वाभाविक खेल खेलती है, बॉल है चौका मारने का चौका मार रहा है, छक्का मारने का छक्का मार रहा है, रोकने का रोकेगा, इससे क्या होती है बॉलर का हौसला टूटता है। ये बॉलर को अगर लगातार 2 छक्के घींच दोगे ना, तीसरा बॉल एकदम खराब बिकेगा, तीसरो छक्का होगा, रियली कहते हैं। लेकिन बॉल का इंतजार करो, इना जब पिच पर उतर गया तो 6 का 6 छक्का मार, चल जाए वो छक्के में, आप उड़ जाइएगा। आप कभी पिच पर या ना उतरे कि 6 में 6 छक्का मारेंगे, आप सोच के उतरे कि बॉल खराब आएगी तो हिट करूंगा, अच्छा बॉल आएगा सम्मानजनक स्थिति से लूंगा, सिंगल निकाल लूंगा। अब उन्हें सोचना कि सिंगलो ना निकले, एकदम ठकले नीची आई बैठे ऐसी लमेले मार हुए तो गिलाओ, तो ये सब ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। तो फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर रहा हूं, बात हम कर रहे थे, हमारे जिंदगी में 2 तरह के लैंग्वेज काफी यूज होता है। हम बोले कि आर यू ओके, तो 2 तरह का आवाज आएगा, यस या आएगा या। तो बाबू लोग ये वर्ड कभी ना यूज करें। अगर आपने ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल माने अनौपचारिक है, जो छोटों के साथ मजकुआ के साथ यूज करिएगा, घर पे करिएगा। इसका मतलब है कि अरे सुन रहे हो तो हाँ रे सुन लो, की कहवे बोल, ये रे है या बोलते हो ना, बड़ी फैशन, जब अंग्रेजी लोग नहीं बोलते हैं लड़कियां लोग का तो ये फैशन है, या नहीं, ये ठीक है, ये प्रचलन में है। तो ये या का प्रयोग ना करें, इसका भी मतलब हाँ ही होता है, एश होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, तो हम क्यों गंदी लैंग्वेज यूज करें? हो सकता है कि पापा को भी बोला जाए या पापा या, तो हम लोग क्या यूज करें, एश नहीं, बोले आर यू रेडी, एश आई एम रेडी,
नहीं, तो एश का प्रयोग करें या का प्रयोग ना करें, कभी नहीं करें, करेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, हाँ बातें चल रही थी वहां पे, एक बार फिर से ले चलता हूं। तो सबसे पहले ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि अब स्पीच शुरू होगा कुछ दिनों में, आज फोर्थ क्लास है, दिस इज द फोर्थ क्लास, मात्र चौथा क्लास चल रहा है आपका, और मैं आई हैव गॉट इसको ए, इसको हम लोग अन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और आई हैव को भी शॉर्ट में सब सिखाएंगे, अभी नहीं, एक बार में सिखा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो हाउ टू टॉक, देखो कोई भी अगर आप कहीं भी स्टेज पर जाते हैं, आपकी शुरुआत एक बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए, फैंटास्टिक ढंग, वर्ड भी सुनो, वर्ड भी सीखते चले, फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ठीक है? आप बोल सकते हैं अमेजिंग लाजवाब है, फैंटास्टिक वाओ क्या लाजवाब है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, नहीं फैबुलस का भी मतलब होता है शानदार, जितना हम सोचे भी नहीं था, फैबुलस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ये सारा वर्ड हम लोग शानदार के सेंस में यूज करेंगे, ठीक है? और बोले बहादुर, ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है बहादुर, यू आर ब्रेवो, तुम बहुत बहादुर हो। कीप पेशेंस, ओके आइए देखते पहले बताते हैं उसको, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने अगर है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आई एम का, माई सेल्फ का यूज नेवर यूज, कभी नहीं करना है, आई एम का यूज करते हैं, माई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आदमी आपसे दूर है, आदमी आपसे दूर है और अपना परिचय देना हो, तो वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है? मैं चूंकि यहां YouTube पर हूं, इसलिए मैं बार बार दिस का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज तो वो सुन रहा है लेकिन मेरे सामने नहीं है, ठीक है? तो देखते हो लिखा रहता है, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, हेलो, मैं बोलता है ना, हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नहीं आई, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, मैं कहां से बोल रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहा हूं, लेकिन आप जब परिचय देंगे तो आपके सामने तो आदमी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वहां पे आप ये जो दिस का प्रयोग हम कर रहे हैं आप न करेंगे, और वहां पे क्या प्रयोग कीजिएगा, आई एम का प्रयोग कीजिएगा, इस पर क्या प्रयोग कीजिएगा, कब करना पता चला, जब व्यक्ति जिससे बातें कर रहे हैं वह आपके सामने न हो तो दिस इज का प्रयोग कीजिएगा, और अगर सामने हो तो वहां पे दिस इज विजय राज पुष्प नहीं होंगे, आई एम विजय राज पुष्प फ्रॉम विशेष, या बोलेंगे फ्रॉम लर्नर आइज वाई वी आर पी, नहीं यहां से, और आई एम को शॉर्ट में बोलेंगे आम वेरी, वेरी नहीं, वेरी नहीं, आम वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पी टुडे, आई हैव को आईव, I've got an opportunity, opportunity, opportunity. अब एक और चीज, यार र साउंड नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले आर से पहले वोवेल आता है, तो आधा opportunity, opportunity, opportunity to speak something about my classroom. सारा चेंज हो जाएगा बउआ, बी कंसस, माँ बाप ने आपको अंग्रेज बनाने के लिए भेजा। चलिए आगे, चेहरे से अंग्रेज होगा, बोली से अंग्रेज होगा, डिसिप्लिन हिंदुस्तानी होगा, नहीं तो सुनिए, बोलेंगे अब आप लोग, अब यूज कीजिएगा, चेंज ही हम कर देते हैं इसको, हेलो फ्रेंड्स, I'm Vijay Rajput from Learner Eyes by VRP. I'm very happy today. I'm very happy today. I've got an opportunity. Opportunity. Chiu, chiu. Opportunity to speak something about my classroom. Classroom is the temple of education.
वेयर सो मेनी काइंड्स ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कम टू टू गेट एन एजुकेशन शिक्षा लेने के लिए आते हैं. सम क्लासरूम इज सो नाइस सो सम क्लासरूम इज सो बैड. कुछ क्लासरूम अच्छे होते हैं कुछ क्लासरूम बड़े होते हैं. बट माई क्लासरूम इज वेरी यूनिक इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया का सबसे यूनिक क्लासरूम है बिकॉज द क्लासरूम इज सो नीट एंड क्लीन. साफ सुथरी है. द स्टूडेंट्स आर वेल मेंटेन्ड डिसिप्लिनड बिल्कुल डिसिप्लिनड है. ठीक है तो इस तरीके से बोलेंगे इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट. बहुत तरह की चीजें हैं लाइक दैट बेंचेस डेस्क नहीं टेबल्स मोबाइल्स नहीं एंड पिक्चर्स व्हाइट बोर्ड मार्कर डस्टर्स एंड सो मेनी एंड सो. ओके तो ये सारे चीज मौजूद है. क्या बोल पाएंगे? स्क्रीनशॉट हो गया है बोलने आ जाएगा. तो मैं आशा करता हूं कि आप घर पे इसका क्या करिएगा कर लीजिएगा प्रैक्टिस. ये आपके याद होना चाहिए क्योंकि मैं बोलवाऊंगा इसको. हाँ जी अब ये शुरू कर लो. चलिए रोशन जी आप ही खड़े हो जाइए और रोशन जी पेश कर रहे हैं इस चीज को. चलिए हेलो फ्रेंड्स चलिए बोला जाए. ओके रेडी रेडी. हेलो फ्रेंड्स आवाज में दम खाके नहीं जाए. खाने से आवाज नहीं बनती है हौसलों से आवाज बनती है. बोलो हेलो फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स ऐसे बोलिए. हेलो फ्रेंड्स लगा. हेलो फ्रेंड्स. हेलो हेलो फ्रेंड्स. आवाज दबा रहे हो. हेलो फ्रेंड्स. आप तो कलाकार है ना. आवाज नहीं दबाइए. ये निकलनी चाहिए. अरे खुल के जैसे गाना गाते हो. गाना नहीं हम लोग जो गाना गाते तो कैसे गाते हैं आवाज दबाते हैं कि खुलते हैं. दबाइएगा ओरिजिनल आवाज नहीं आएगा. नहीं आप जब गाते हैं गाना तो खुल के गाते हैं. जैसे गाते हो खैरियत पूछो ना ऐसे नहीं करते हो. ठीक है तो आप स्टार्ट करें. अपनी आवाज को खोल दो पूरा खोलो. हेलो फ्रेंड्स बोला जाए. हेलो फ्रेंड्स. आप ना बोलते हैं हेलो बोलते हैं ना उसको बोले हेलो 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 बोले तो हेलो हेलो. हाँ अब आया. नहीं बोल सकते. अरे विवाह मूवी देखी हो? नहीं. लड़कियां जो है जिसकी शादी ठीक हो जाती है उसके सामने छोटा सा बच्चा आता है देखना उस समय आवाज आती है. देखो कितना दिल पे धड़केगा तुम्हारा. लड़की बोलती है हेलो. देखो आवाज सुनना वही है. बहुत मनमोहक आवाज है वो. हाँ वो बोलती है हेलो. बहुत कब वो बच्चा के साथ बोलता है वो लड़की. ठीक है वही आवाज है. चलिए स्टार्ट कीजिए. इसलिए आवाज वैसा नहीं निकला. टू कॉपी नहीं की जाती है. चलिए ओके ऑलराइट. चलिए स्टार्ट बोलिए. हेलो फ्रेंड्स. आई एम रोशन कुमार फ्रॉम शिवाजी मला. आई एम वेरी हैप्पी द मोमेंट आई हैव गुड टाइम. चले चले ओके. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय क्लासरूम. ये है ना. यस वेरी गुड. आवाज आपकी प्रोसेस से आवाज में दम नहीं लगा सर. दम का मतलब समझ जैसे बैटरी डाउन. जैसे चलिए एहसान जी खड़े हुई. देखिए एहसान जी बोले. देखो बोलने का तरीका है कि आवाज जिंदा की तरह होनी चाहिए. ठीक है चलिए ओके बोलिए. हेलो फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं. ओके हेलो फ्रेंड्स. आई एम एमडी एहसान फ्रॉम बसीदा मदर. I am very happy today. I am have got an opportunity to speak something about my classroom. Okay, well done. Boli, Samser ji.
लगाइए क्लास. हेलो फ्रेंड्स, आई एम एमपी संसार अंसारी फ्रॉम मसी दामोदर. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय क्लासेस. ओके, वेल डन. प्लीज सिट. अंजलि हो ना? अंजलि कौन है? अंजलि. अंजना कौन है? आपका नाम क्या था? संध्या. आपका? और अंजना. आपका नाम क्या था? अंजलि. अभी अंजलि. अंजलि जी, आप खड़े हो जाइएगा. चलिए खड़े हो जाइए प्लीज. ओके, एक बार मैं बोलता हूँ, आप बोलेंगे. उसे डरिएगा नहीं. लोग क्या कहेंगे हमें मतलब नहीं है. लोगों का काम है कहना. लोगों जन्म लिए हंसने के लिए. न उसके पास संस्कार है, न रहेगा, न था. बस इतने सुना. डिस्टर्ब इज नॉट अलाउड हियर. सुनिएगा, आपके अंदर एक चीज आना चाहिए कि जैसे ही खड़े हो तो कुछ लगने का डर नहीं ना रहे. डर लगता है तो घर पे रख देना. सिंपल समझना कि मैं यहाँ पे बोलने के लिए आया हूँ और मुझे सामने वाला सा कोई मतलब नहीं. वो अपने घर पे रहेगा, मैं अपने घर पे रहूंगा. ठीक है? और अगर कोई हंसता है ना देखकर, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको कह रहा है कि ना कैसे बोलता है, देहाती बिलायती बोली, देसी बोली, देसी कुत्ता बिलायती बोली. ठीक है? तो आप वही, तो ऐसा अगर ऐसा शब्द का यूज करता तो कहेगा ठीक है, आप जिस जिंदगी को जी रहे हो ना, मुबारक हो, लेकिन मुझे अब जीने दो. तुम सब दिन सर के जियो ना, कि बेटी हो, घर से नहीं निकलना, तुम सरो. अब नहीं सरेंगे, मैं तो हवाई जहाज से उड़ूंगा. ठीक है? तो बस ये सोचिएगा. दूसरी बात, अंग्रेजी बोलने के सबसे जो बेहतरीन तरीका वो है कि सामने वाला क्या सोचेंगे हमें रखना नहीं है दिमाग में. समझ रहे हो? आपस में गपने कीजिएगा. आप इस दिमाग में रखिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे नहीं सोचना. उसका काम है सोचना, मेरा काम है करना. उसका काम है प्लेट देख के और दूसरे को देखकर सोचना कि खाएगा कैसे. मेरा काम है तब तक खा जाना. यही है. ओके, ऑलराइट. अब एक बार पढ़ के सुनाते, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा. हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय राजपूत फ्रॉम लर्नर एज वाई वीआरपी. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई हैव गॉट अन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माई क्लासरूम. चलिए अंजलि जी, स्वागत है आपका इस लर्नर एज वाई वीआरपी फैमिली में. तो आइए, आपकी आवाज के लिए तरस रहा है यूट्यूब. बोलिए. I am very happy. Okay. I have got an opportunity to speak something about my classroom. ओके, बैठ जाए, बैठ जाए. अंजना जी, चलिए स्वागत है आपका. शुरुआत करें. हेलो फ्रेंड्स. घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए सभी लोग. हेलो. I am very happy today. I have got an opportunity to speak something about my class. Okay, well done. Thank you. Please sit down. चलिए सुष्मिता जी, पेश किया जाए नगमा को. चलिए, प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक. चलिए स्टार्ट. हलाओ करेंगे. हलाओ. Hello friends, I am Susmita from Gazipur. I am very happy today. I have got an opportunity to speak something about my life. Okay, thank you. Please sit down. हाँ, एक बात और तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि एक बार सभी लोग प्लीज स्टैंड अप खड़े हो जाए और
सर, आपके सामने कॉपी है, अपना अपना कॉपी खोलिए और सभी लोग इस लाइन को क्या करना है, पढ़िए एक बार भी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक करके सबसे पढ़वाओ। तो कॉपी अपने सामने रखिए, सभी लोग रख लिए, हाथ में लेकर रखो, ऊपर रखो नहीं, और सभी लोग एक बार बोल के पढ़े ताकि क्लास में क्या समझे आवाज। तो आइए एक बार सभी लोग अपना पढ़िए, अपना पढ़ते रहिए, एक बार कंप्लीट हो जाए बैठ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जिनका हो गया वही बैठे ना, हुआ पढ़िए, सुन लो, पता हमको चलाना कहाँ है, हमें दुनिया की खबर कहाँ है। अरे शायरी को सुने ना तुम लोग, अरे ये बता दो, तुम जानते हो, वही बोलूंगा, मैं कहता कि लोग ऐसे गुजरते सामने से जैसे कभी जानते ही न हो। उसका देखिए, उसका उसका लहजा कैसे है, कहता है कि कुछ लोग यूं गुजर जाते हैं सामने से, कुछ लोग यूं गुजर जाते हैं सामने से जैसे वर्षों से जानते ही ना हो। जानता था लेकिन पता चलता कि जानते ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, और मैं आपसे एक और शायरी एक और बता दूं, क्लास कहता है एक और शायरी आपकी बड़ी अच्छा, कि झूठ छुप नहीं सकती है बनावटी, नहीं बनावटी फूलों से, ऐसे ही ना था, खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, तो होते रहेगा। आप लोग क्या करें ना, आपको जब काम दिया जाता तो आप अपना करें, किसी को सुनाई दे या ना दे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग अब बात करते हैं, टाइम तो हम लोग का ओवर हो चुका है, विदा होने का भी समय आ गया है। तो आज का क्लास रहा, इसे आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस हो पाएगा, करीब 10 बार पढ़िएगा ताकि याद हो जाए, ठीक है अंजलि जी, याद हो जाएगी। और जिन लोगों को समस्या है वो समस्या को दूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मिले चाहे सेकेंड चाहे थर्ड टाइम, फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे 12 बजे तक, 12 बजे दिन से 5 या 6 बजे तक गुड आफ्टरनून का, और 6 बजे के बाद गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे, और सोने जब जाएंगे तो गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, जो दोस्तों के साथ या किसी के साथ यूज करते हो, छोटों के साथ, तो हमेशा पहली मुलाकात 12 बजे दिन में हो, 12 बजे रात में हो, कभी भी हो, गुड मॉर्निंग का प्रयोग करें। आपको कहने का अर्थ है, जैसे आप पहली बार क्लास में एंट्री दिए, ठीक है, मैं आई कम इन बोले, मैंने कहा यस प्लीज, तो यही ना बोले, उसके बाद आपने कहा गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, उसका हैव योर सीट, अपना जगह लो, तो आप, मैंने कहा थैंक यू, सॉरी आपने बोला थैंक यू, बैठ गए। लेकिन अब दूसरी बार फिर बाहर जाइएगा, क्या सर मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यस प्लीज, आप गए नहीं, अब आइएगा तो बोलेगा मे आई कम इन, बोलूंगा यस प्लीज, और बोलूंगा हैव योर सीट, तो बोलेगा थैंक यू, आप गुड मॉर्निंग क्यों। अच्छा सोचो, तुम घर पे गए हो, किसी के पहली बार पैर छू लिए नहीं, या आपने वालेकुम सलाम कह दिया, सलाम वालेकुम कह दिया, और सोचो फिर बाहर गए पानी पीने, फिर आइएगा कहेगा सलाम वालेकुम, बोलिए तो एक ही बार ना विवाद हर बार कहेगा नहीं। तो ये सारी चीज है, तो आज का काम रहेगा, एक काम करो, क्या माई क्लासरूम पर लिख लोगे तुम लोग कुछ भी, yes, तो आज का काम रहा माई क्लासरूम पर आप
YouTube से लिखो, Google से लिखो, चार को पांच गुना लिखो और नहीं लिख कर आएगा तो मैं आपका जान नहीं मार दूंगा। आप लिखे चाहे उसे मतलब, लेकिन कोशिश करो लिखने का। और दूसरी बात, इसको जरूर याद कर लो। इसको मैं एक बार लास्ट पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हेलो फ्रेंड्स, आवाज मेरा देखो, ये जोश वाला आवाज होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दे रहे हैं? आई एम को पढ़ेंगे आ आम, आम ऐसे पढ़ता आ ई एम आई, लेकिन हम पढ़ेंगे आम। विजय राजपूत फ्रॉम लर्नर आईज वाई वी आर पी, आम 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 वेरी हैप्पी टुडे 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 टुडे। आई हैव आईव आईव गॉट, इसको क्या पढ़िएगा? गॉट अन अपॉर्चुनिटी। इसको पढ़ने का तरीका है अपॉर्चुनिटी सुनिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट माय क्लास। बोलिए जल्दी, समझ में आ गई है? तो आज का क्लास यहीं पे विदा लेते हैं। HW के रूप में इसको याद करना, माई क्लास रूम पर लिख के लाना है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जाते जाते हेलो सुनिएगा एक और चीज, आप जो नए लोग हैं YouTube पे जाएंगे, आपको लर्नर आई वाई VIP सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो आएगा नीचे एक बटन सब्सक्राइब, इसको प्रेस कीजिएगा। उसके बाद तीन बटन आएंगे बेल का, ऑल पर जाके प्रेस कीजिएगा, दो पर से चला जाएगा। और तीन वीडियो स्पोकन का बना है, आप लिखिएगा बेसिक स्पोकन इंग्लिश पार्ट वन आ जाएगा, पार्ट टू पार्ट थ्री सारा आ जाएगा लर्नर आई वाई VIP। और कोशिश करिए कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके दुश्मन है, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है? तो वेल डन, ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।